नमस्ते प्रणाम। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि कल एसआरके म्यूजिक से मेरा एक वीडियो सॉन्ग रिलीज हो रहा है जिसका नाम है काजल मेला में कौन था। कौन था जैसे ही शब्द आता है तो काफी लोग समझ गए होंगे कि कौन सा ये सॉन्ग है, कौन था। ये पहली बार मैंने, होता है ना कि कुछ चीज़ें व्हाट्सएप पे आए या फेसबुक सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे जब वायरल होता है तो हमारे भोजपुरी में कई लोग उस चीज़ को गाए हैं और काफ़ी हिट भी हुए हैं। तो मैंने भी सोचा कि अच्छा मैटर है। और इसके पहले मैंने फनी रैप सॉन्ग गाया था बहुत सारा, जैसे कि आप लोग सुने होंगे जान लोगे क्या, इसके बाद सुना था नहीं शादी तुहार सेठ भैल का हो, पप्पू के पापा मुझे प्यार नहीं करते। तो मैंने बोला कि जब ये ट्यून मुझे श्याम देहाती भैया बताएं तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इसे अपने स्टाइल में, अपने भोजपुरी अंदाज में गाया जाए। और मैंने वो सॉन्ग गा दिया ऑडियो। और इसके बाद मैं मुंबई आ गया, कुछ काम था, फिल्मों का डबिंग था। तो हम लोग की प्लानिंग थी कि इसको 1 अक्टूबर को, इसको देवी गीत नहीं बोलेंगे, एक गिमिक सॉन्ग बोलेंगे, फनी रैप कॉमेडी सॉन्ग बोलेंगे कि एक लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड पे शक करता है तो फोन लगा के बोलता है कौन था, कल तुम मेला गई थी और तुम्हारे साथ मेले में कौन था, तो वो बोलती है कि अमरपाली बहन। और इस गाने के लास्ट में आप लोग सुने होंगे अमरपाली जी ने भी अपना आवाज दिया है और वीडियो में भी आप लोग उन्हें देखेंगे। तो हम लोग का ये पूरा स्टोरी वाइज हम लोगों ने ये सॉन्ग बनाया। तो ये सॉन्ग, मैं ये प्रूफ नहीं दे रहा हूँ कि ये सॉन्ग मैंने पहले गाया या किसने गाया, मुझे बताना भी नहीं है और बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में मैंने फेसबुक पे देखा, हमने के भोजपुरी में कहा जाला घिजाइन कदले वालों। तो हमारे जितने सॉन्ग सुनने वाले हैं, हमारे जितने दोस्त हैं, वो सब लोग मैसेज किए का भैया लोग कहता कि रुआ कॉपी कैले बनी। तो आज तक मुझे 12-13 साल हो गया सिंगिंग करते हुए, आज तक मैंने जो भी गाया है अपना गाया है, जो भी राइटर मुझे देते हैं अपना, इतना मेहनत करके, राइटर हो चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, इतना मेहनत करके हम लोग एक गाना बनाते हैं, तो आज तक अपना गाया है। तो आप लोग के आशीर्वाद से अब मुझे कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, जब आप लोग मेरा अपना नया सुन के इतना प्यार देते हैं। तो कुछ लोगों का मैसेज आया, मैंने बोला नहीं भाई मैंने कॉपी नहीं किया है, ये वायरल सॉन्ग था, पहले का सॉन्ग था, जो कि हो सकता है उनके भी राइटर के दिमाग में आ गया हो, सिंगर के भी दिमाग में आ गया हो, पहले से यूट्यूब पे वायरल है 20-25 दिनों से। तो मैं उस सब पे ध्यान नहीं दिया, फिर कुछ लोगों ने टैग कर दिया मुझे और फेसबुक पे, और तरह तरह की बातें, तो सच्चाई है, सही भी है आप लोग का मुझसे नाराज होना, क्योंकि सही बात है कि आज तक मैंने कभी वायरल सॉन्ग नहीं गाया था, फर्स्ट टाइम गाया। तो मैं उन सभी लोगों से बताना चाहूंगा कि ये एक वायरल सॉन्ग था जो कि मैंने गाया, अब जिंदगी में कभी वायरल सॉन्ग नहीं गाऊंगा भैया, अपना गाऊंगा। और जब ये ऑडियो रिलीज हुआ बहुत प्यार आशीर्वाद मिला एक ऑडियो सॉन्ग को, तो कल वीडियो रिलीज हो रहा है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो वीडियो देखेंगे, हमेशा कुछ नया लाने की चाहत होती है हमारी आप लोग के बीच, तो आप लोगों को पसंद आएगा। और जितने भी सारे भोजपुरी के हमारे बड़े भाई लोग हैं, सिंगर लोग हैं, काफी लोगों ने कौन था गाया है, सभी लोगों का आपने देखा, सभी लोगों को प्यार दिया, उम्मीद है हमारे गाने को भी आप लोग प्यार देंगे। तो जितने लोग आपस में ही ये सब कर रहे हैं ना भैया, जो कि मेरा था, ये था, वो था, सब भाई हैं, और आप लोगों की वजह से जितने भी हमारे गाने श्रोता सुनने वाले लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो लोग कहीं ना कहीं कोई अच्छा कमेंट्स करता है, कोई बुरा कमेंट्स करता है, तो फेसबुक पे, फेसबुक क्या है, सभी लोग देखते हैं, तो हर सिंगर का एक परिवार होता है। और आप किसी को भी गाली दो भोजपुरी सिंगर में, अगर आप किसी को भी गाली देंगे या किसी को भी गलत बोलेंगे, तो हम सारे सिंगर भाई भाई हैं, तकलीफ सब भाइयों को होती है। तो प्लीज़ आप सारे फैंस से निवेदन है, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग गाली गलौज करना है या जो भी बातचीत करनी है तो प्लीज़ फेसबुक पे नहीं कीजिए। और जितने लोगों का गाना आया, सभी लोगों का सॉन्ग सुपर हिट हो रहा है, भगवान करे सुपर डुपर हिट हो, और सब लोग मिल के रहिए, एकता बना के रहिए,
तो कल SRK म्यूजिक से मेरा ये सॉन्ग रिलीज हो रहा है, काजल मेला में कौन था वीडियो सॉन्ग। तो आप लोग देखिएगा कौन था और अपना प्यार दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि अब कभी ऐसा सब गीत नहीं गाऊं। अगर मैं जानता कि इतने लोग गाएंगे तो भैया कभी ना गाता, और मैं तो प्राइवेट करने वाला था, लेकिन अब बोला कि अब रिलीज हो ही गया है तो चलो आप लोग का प्यार पा ही लेते हैं। तो कल भूलिएगा नहीं, जरूर देखिएगा काजल मेला में कौन था SRK म्यूजिक पे सुबह 6:30 बजे। धन्यवाद।